गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ गोविंद पटेल एंड वेलकम यू ऑल ऑन सी डी पी क्वीन हिमांशी मैम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स पेडोगोजी के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर वन कंप्लीट हो चुका था और आज हम बात करेंगे चैप्टर टू के बारे में। चैप्टर वन में हमने मैथ के कुछ साधनों के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो जो नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने गणित के कुछ साधनों के बारे में बात की थी, जैसे अबेकस हो गया, गिनतारा हो गया, जीव बोर्ड हो गया, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्यामिति अधिगम के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री लर्निंग। ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी को वैन हिले द्वारा दिया गया था। याद रखना, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ज्यामिति अधिगम या ज्योमेट्री लर्निंग जो है, ये थ्योरी किसने दी थी? तो ये थ्योरी वैन हिले ने दी थी। किसने दी थी? वैन हिले ने दी थी। इस थ्योरी में पांच स्तर वैन हिले द्वारा बताए गए थे, ठीक है। इस थ्योरी में कुल कितने स्तर हैं? पाँच स्तर बताए गए थे, जो कि आप लोगों के जीरो से स्टार्ट होते हैं और फोर पे ख़त्म होते हैं। पहला स्तर आपको बताया गया था विजुअलाइजेशन, यानी चशुषीकरण, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और रिगर पे ख़त्म होता जाके है, ठीक है। इन चारों टॉपिकों के बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे आगे वाली स्लाइड पे। तो याद रखिएगा कि ज्यामिति अधिगम की थ्योरी या फिर ज्योमेट्री लर्निंग की थ्योरी वैन हिले द्वारा दी गई थी, और इसमें कुल पाँच स्तर बताए गए थे, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और लेवल फोर तक जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल जीरो है आपका पहचान या चशुषीकरण। क्या है? पहचान या चशुषीकरण। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, इसको हिंदी में चशुषीकरण ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहचान वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि लिखा हो, और इंग्लिश में आप लोगों को सेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बारे में कि इस स्तर पर बच्चे कैसे सीखते हैं और बच्चों को क्या क्या नॉलेज होती है। देखते हैं आगे के पॉइंट में लिखा हुआ है, विद्यार्थी ज्यामिति आकृतियाँ जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज और यहाँ पर और अन्य आकृतियाँ हो सकती हैं, जैसे गोला हो गया, सर्कल हो गया आपका, या फिर रेक्टेंगल हो गया, कई सारी आकृतियाँ यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही लिखी गई हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आगे देखते हैं, आदि को उनके स्वरूप के आधार पर आकृतियों का वर्णन करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस स्तर पर बच्चे जो होते हैं आकृतियों को उनके स्वरूप के आधार पर उनका वर्णन करते हैं। जैसे वो देखेंगे कि ये क्या है, ये गोला है, ये हमारे यहाँ जो मम्मी रोटी बनाती हैं उसके जैसा लग रहा है, तो उसको बच्चे क्या बोलेंगे, ये रोटी की तरह लग रहा है, ये रोटी की तरह लग रहा है, तो ये क्या है, ये रोटी हो गई। कुछ बच्चे इसको क्या बोलेंगे, ये चंदा मामा हो गए। कुछ लोग इसको अन्य अन्य नाम देंगे, कुछ बच्चे इसको अन्य अन्य नाम देंगे। क्यों? क्योंकि इस स्तर पर बच्चे आकृतियों को उनके स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्तर पर बच्चे ज्यामिति आकृतियों को उनके स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेवल जीरो यानी स्तर जीरो, और लेवल का नाम क्या हो जाएगा, चशुषीकरण, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चे इसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये जैसे मम्मी रोटी बनाती हैं ये रोटी है, और इसको देखेंगे ट्रायंगल को देखेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चे, उनको इनका नाम वगैरह नहीं पता होता है, वो क्या बोल देंगे, ये तो हमारे घर में गेट लगा है उसकी तरह लग रहा है। और इसको अगर देखेंगे क्यूब को तो क्या बताएंगे, वो कहेंगे ये लूडो में खेले जाने वाला क्या है, पासा है, ठीक है। तो बच्चे इस स्तर पर इनके नाम वगैरह नहीं जानते हैं, उनको उनकी स्वरूप के आधार पर जानते हैं, यानी जो उन लोगों के पास पूर्व ज्ञान होता है उसके अनुसार उसको पहचानते हैं। उन लोगों ने पिछले पूर्व ज्ञान में क्या देख रखा होगा, इस आकार की गोल रोटी देख रखी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको रोटी बोलेंगे, ठीक है। बच्चों ने अपने पूर्व ज्ञान में इसको रेक्टेंगल को देख रखा है, लेकिन किस नाम से देख रखा है, दरवाजे के नाम से देख रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, दरवाज़ा बोलेंगे। बच्चों ने अपने पूर्व ज्ञान में क्यूब को देख रखा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये क्या है, ये क्यूब है, इसलिए उसको उसके स्वरूप के आधार पर पहचानेंगे, बोलेगा कि ये क्या है, ये लूडो में खेले जाने वाला पासा है, या फिर उसको बॉक्स वगैरह बोल सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि उसको ये यहाँ पर रोटी ही बोलेगा, इसको यहाँ पर दरवाज़ा ही बोलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट लेवल है आपका स्तर फर्स्ट, इसका नाम क्या है, विश्लेषण करना, हिंदी में आपका सेम रहेगा और इंग्लिश में एनालिसिस या फिर एनालिटिक
हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एनालिसिस यानी या फिर एनालिटिक हो सकता है। चलिए देखते हैं इस स्तर पर बच्चे क्या करते हैं और क्या जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इस स्तर पर बच्चे उनके गुण के आधार पर आकृतियों का वर्णन करने लगते हैं। यानी जब बच्चा फर्स्ट स्टेज पे आता है, यानी जब लेवल वन में आता है, तो बच्चा जो है आकृतियों को उनका नाम जानने लगता है कि ये क्या है, ये सर्कल है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल हो गया आपका। तो बच्चा इस स्तर पर आके उनकी आकृतियों का या उनके गुणों को जानने लगता है कि ये सर्कल है और ये 360 डिग्री का होता है, ये रेक्टेंगल है, इसके आमने सामने की भुजाएँ बराबर होती हैं, ये क्यूब है, इसकी अपनी अपनी भुजाएँ होती हैं जो सारी बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस स्तर पर आके बच्चा उनकी आकृतियों व उनके गुण को जानने लगता है। ठीक है, उनके नाम को भी जानने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। लेवल सेकेंड है आपका, यानी स्तर टू है आपका, क्रमांक या अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक याद रखिएगा आप लोग, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल डिडक्शन। क्या होता है? इनफॉर्मल डिडक्शन। चलिए देखते हैं इसमें बच्चे कैसे सीखते हैं और क्या सीखते हैं। लिखा हुआ है, विद्यार्थी इस स्तर के अनेक गुणों के महत्व और उनके बीच के संबंधों को पहचानने लगता है। याद रखिएगा, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो छात्रों को तार्किक रूप से आकृतियों के गुणों और को क्रमबद्ध करने में सहायता करता है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये हो गया कि इस स्तर पर बच्चे को पता होता है कि ये क्या है, ये एक सर्कल है। बच्चे को ये पता होता है कि ये सर्कल है। ठीक है, तो बच्चा इसको देखता है, सेकंड वाली इमेज को, इसको भी क्या बोलता है, कहता है ये भी सर्कल है। इसको देखेगा, इसको भी क्या बोलेगा, इसको भी बोलेगा ये सर्कल है। बच्चे को इनके इनमें भेद नहीं पता होता है कि ये सेमी सर्कल है, ये ओवल है। ठीक है, तो बच्चे को इनके नाम नहीं पता होते हैं, बच्चे एक सी आकृतियों को देखकर उनका नाम अपने मन में ही रख लेता है कि ये अगर ये ऐसा दिख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, और ये भी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेज को याद रखिएगा कि विद्यार्थी इस स्तर पे उनके गुणों के महत्व और उनके बीच के संबंधों को पहचानता है। जो छात्रों को तार्किक रूप से आकृतियों के गुणों को क्रमबद्ध करने में सहायता करता है। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लेवल को देखते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल है लेवल 3, यानी औपचारिक निगमन। क्या क्या होगी? औपचारिक निगमन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मल डिडक्शन। इंग्लिश में फॉर्मल डिडक्शन लेवल का नाम क्या है? औपचारिक निगमन। लेवल कौन सी है? लेवल 3 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। लिखा हुआ है, इस स्तर पर बच्चे विभिन्न प्रॉपर्टीज़ के बारे में लॉजिकल सोचना शुरू कर देते हैं। यानी इस स्तर पर बच्चे जो है, बच्चे के अंदर तार्किक ज्ञान का निर्माण होने लगता है। आगे लिखा हुआ है, वे विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध बना सकते हैं एवं उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, और साथ ही साथ परिभाषाएं, प्रमेय और उपप्रमेय में संबंध बना सकते हैं। तो इसको सिंपल वे में समझते हैं कि सिंपल वे में इसको कैसे समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं एक बार। पिछली वाली स्टेज पे बच्चे को सर्कल, सेमी सर्कल और ओवल में डिफरेंट नहीं पता था। क्या था? बच्चे को तीनों आकृतियाँ एक जैसी लगती थी, लेकिन लेवल 3 पे आके बच्चे को तीनों आकृतियों में अंतर पता चल जाता है कि ये सर्कल है, ये 360 डिग्री का होता है, और ये सेमी सर्कल है, ये उसका हाफ होता है, उसका आधा होता है, 180 डिग्री का होता है, ये ओवल है, ये अंडे की आकृति का होता है। तो बच्चे इस स्टेज पे आके आकृतियों में अंतर करना सीख जाते हैं और लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, तथा इन्हें सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे वो सोच लेगा कि ये सर्कल है तो इसका आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेमी सर्कल हो जाएगा। तो बच्चे इस स्टेज पे आके अपना तार्किक ज्ञान लगाने लगते हैं, अपनी तार्किक सोच लगाने लगते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपकी लास्ट स्टेज। इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। लेवल 4 है दृढ़ता या रिगर। ठीक है, ये स्टेज आप लोगों के पेपर में कभी भी पूछी नहीं गई है, क्योंकि ये स्टेज जो है ये कॉलेज वगैरह में लागू होती है। तो चलिए फिर भी हम लोगों इसके बारे में एक बार एक नज़र देख लेते हैं। लिखा हुआ है, इस स्तर पर बच्चे अमूर्त रूप से चिंतन करना एवं गणितीय संबंधों को समझने लगते हैं।
तो अमूर्त लोग, आप लोगों को तो पता ही होगा अमूर्त चिंतन क्या होता है, जो चीज़ आपको सामने से दिखाई नहीं दे रही होगी और जिसके बारे में काल्पनिक बात हो रही होगी उसके बारे में, उसको अमूर्त चिंतन या अमूर्त रूप बोलते हैं। यानी टीचर ने हल्का सा उसको हिंट दे दी, बच्चे उसके आगे खुद ब खुद कर लेते हैं। जैसे कि अगर टीचर ने बता दिया कि ये जो है ये कोण 180 अंश का होगा, तो बच्चे अपने आप निकाल लेंगे कि ये अगर कोण 180 अंश का होगा तो ये भी 180 का ही होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको अमूर्त रूप से चिंतन करना बोलते हैं। यानी बच्चे को बता दिया गया, एक बार बता दिया गया कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो कैसी होती है उसके बारे में बच्चे को बता दिया गया, तो दोबारा से बच्चे को बताना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद कर लेता है। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग उसको एक बार देखते चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आज की क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस हल करेंगे। तो जो ज्यामिति अधिगम थ्योरी है इसको किसने दिया है, वेन हिले द्वारा दिया गया है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको ज्योमेट्री लर्निंग बोलते हैं। याद रखिएगा ज्यामिति अधिगम या फिर लिखा हुआ मिलेगा या फिर आप लोगों को ज्योमेट्री लर्निंग लिखा हुआ मिलेगा और पूछा जाएगा कि ये थ्योरी किसने दी है, तो उसको वेन हिले द्वारा दिया गया है। अब बात करेंगे कुछ इन स्टेजों के बारे में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली स्टेज क्या है कि आपकी विजुलाइजेशन यानी चक्षुषीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे आकृतियों को उनके स्वरूप के आधार पर पहचानते हैं, यानी आकृतियों के उनके स्वरूप के आधार पर वर्णन करते हैं। जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चा अगर गोले को देखेगा तो बोलेगा कि ये रोटी है, ठीक है, वो वाले एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए थे लेवल जीरो के होंगे वाले एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखते हैं लेवल फर्स्ट में होगा, लेवल वन में हो जाएगा आपका विद्यार्थी जो है यहाँ पे आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर उनका वर्णन कर देंगे। यानी इसमें जो है बच्चा बता चलेगा कि ये क्या है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है और ये आपका क्यूब है, बच्चों को उनके नाम वगैरह पता चल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका लेवल सेकेंड। लेवल सेकेंड में क्या होगा, चलिए बात करते हैं। लेवल सेकेंड का नाम क्या है, अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें विद्यार्थी इस स्तर के में अनेक गुणों और महत्वों को उनके बीच में संबंध पहचानने लगता है, तार्किक रूप से आकृतियों के गुणों को क्रमबद्ध करने में सहायता करता है। इसमें बच्चे को सर्कल वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि एक सेमी सर्कल होगा, एक पूरा सर्कल होगा और एक ओवल होगा, लेकिन बच्चा उसमें समझ नहीं पाता है कि क्या है, दोनों तीनों उनको उसको सर्कल ही लगते हैं, वो वाला एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा। तीसरी स्टेज क्या है, फॉर्मल डिडक्शन यानी औपचारिक निगमन। इसमें क्या होता है, इस स्तर पर बच्चे विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकल सोचना शुरू कर देते हैं। इसमें बच्चे को पता होता है कि सेमी सर्कल है, सर्कल है और ये सेमी सर्कल है तो क्यों है, ये ओवल है तो क्यों है और ये सर्कल है तो क्यों है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यानी इस स्तर पर बच्चे को पता होता है कि सर्कल है तो 360 डिग्री का होगा और सेमी सर्कल है तो 180 अंश का होगा, जिसमें मैंने आपको ये वाले एग्जांपल दिए थे, वो वाली स्टेज हो जाती है आपकी लेवल थर्ड। लेवल फोर्थ पर क्या होता है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। लेवल फोर्थ मैंने आपको बताया था जो रिगर है, इसका नाम मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। लिखा हुआ है, इस स्तर पर बच्चे अमूर्त रूप से चिंतन करना एवं गणितीय संबंधों को समझने लगते हैं। यानी जिसमें मैंने आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम वाला बताया था ना कि जिसमें बच्चे अमूर्त रूप से सोचते थे, वो वाली लेवल फोर्थ लेवल हो जाएगी। चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, चलिए इसको हल कीजिए और इसको बताइए। पहले क्वेश्चन को हल करिए और उसका आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए। लिखा हुआ है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। यानी जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उसको क्रम में लगाना है कि कौन सी थ्योरी पर यानी कौन सी स्टेज पर बच्चा क्या सीखता है, उसको आप लोगों को लाइन से लगाना है। चलिए इसको हल करिए, थ्योरी के हिसाब से इसको करिए, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो पहले बच्चा क्या करता है, 2D आकारों को छांटता है। क्या करता है, 2D आकारों को छांटता है। तो सी किसमें पहला, दो में सी पहला है, बी और डी में। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या करता है बच्चा,
फिर बच्चा करता है 2D आकारों को उनकी भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करता है, यानी सेकेंड वाला हो गया। तो सी और ए इसमें है, यानी इसका आंसर नंबर डी जिसने भी किया है उसका सही हो जाएगा। आंसर नंबर डी जिसने किया है उसका आंसर राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य हैं। हिले के अनुसार वे ज्यामिति के डेस कौन से स्तर पर हैं, चलिए वो बताना है आपको। चलिए इसका आंसर दीजिए, वे ज्यामिति के कौन से स्तर पर हैं आप लोगों को बताना है। तो कौन से स्तर पर रहेंगे, औपचारिक स्तर पर, सॉरी ये मानसिक चित्रण व चशुषीकरण स्तर पर हो जाएंगे। आंसर इसका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है, विद्यार्थी से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के संबंध में के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियाँ खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान हैं, तो वो कौन से लेवल पे हो जाएंगे, चलिए बताइए। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन से लेवल पे हैं वो, क्या कर रहे हैं वो, विश्लेषण कर रहे हैं, वो एनालिटिक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पहले आप लोग ये वाला देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे भी इसका कुछ पोर्शन है वो देख लीजिएगा। पहले इसको पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, वेन ही लेके ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है, कक्षा सेकेंड के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ भुजाएं दी गई, यानी कक्षा 2 के बच्चे को कुछ भुजाएं दी गई कि उनको छांटिए। तो बच्चे ने क्या किया, वह भुजाओं को उनकी संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हिले के ज्यामिति विचार के स्तर पर है, किस स्तर पर है वो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे इसके स्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, फिर इसका आंसर आराम से दीजिएगा। सही आंसर देना है क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। चलिए इसको पढ़ लीजिए। तो उसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, उनके कोणों के आधार पर उनको, उनकी लाइन की जो लाइन खींची हुई है उनके आधार पर उनको बांट रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चतुष्कोण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वेन हिले के ज्यामिति स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत करते हैं वो हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, बहुत सिंपल है, चलिए बताइए। और मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी लेवल पे जो है क्वेश्चंस केवल 2 ही लेवल से आते हैं, 0 और 1 से आते हैं, और जो जूनियर लेवल पे आते हैं वो लेवल 2nd और 3rd से जूनियर लेवल पे आते हैं, और जो लेवल 4 है उसमें आप लोगों के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर नंबर, इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इनमें वेन हिले की जो थ्योरी है उसको सही क्रम में लगाना है, चलिए सही क्रम में लगाइए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। वेन हिले की थ्योरी जो है, अभी हम लोगों ने जिसके बारे में बात की है उसमें कौन सी स्टेज का क्या नाम है और उसको क्रम में लगाना है, चलिए बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, चलिए बताइए। तो आई होप आप लोगों ने तक इसका सही आंसर पढ़ लिया होगा, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। पहला क्या आता है, पहले आता है मानसिक चित्रण, फिर क्या आता है विश्लेषण, फिर आता है अनौपचारिक निगमन, फिर आता है औपचारिक निगमन। बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, पहले औपचारिक कर देते हैं फिर अनौपचारिक करते हैं, लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें पहले अनौपचारिक आता है फिर औपचारिक आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है, एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है,
वेनिले के अनुसार वह ज्यामितीय विचार की किस स्थिति में है? चलिए इसका आंसर दीजिए, चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर सही क्या होगा? तो इसका आंसर नंबर टू बिल्कुल सही हो जाएगा। वो लेवल वन पे है, उसका नाम क्या है? विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण। आप लोग क्वेश्चन में को पढ़ के इसको आसानी से कर सकते थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग ईवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी बेस जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उनको हम लोगों ने करवाया है, उसको आप देख सकते हैं, जहाँ से आप लोगों का 15 नंबर का पेडोगॉजी का पोर्शन आता है एनसीईआरटी का, वो बिल्कुल सिंपल वे में करवाया गया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर आप लोग यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग सुबह 11 बजे आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपीटीटी की तैयारी करने वाले लोग एक भी क्लास को मिस मत करिए, बहुत अच्छी क्लासेस करवाई जा रही हैं आप लोगों को हमारे चैनल पर। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे आप जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपका लिंक काम नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है CDP क्वीन हिमांशी मैम, आप लोगों को ग्रुप वहाँ पे दिखाई दे जाएगा, उसमें आप लोग सिंपल से ज्वाइन कर लीजिए और PDF आप लोगों को वहाँ पे सारी मिल जाएंगी। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।